ऑब्वियसली फिर मेरा भी टू एंड फ्रो चल रहा थोड़ा थोड़ा चला क्योंकि इट्स अ चैलेंजिंग कैरेक्टर एंड टी वी पे किसी हीरोइन ने ऐसा कैरेक्टर कभी किया नहीं है तो मैं भी सोचने लग गई कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए पर फिर आ, ऐसा होता है कि सर को जमा करने पड़ते हैं अरे इधर से बुलाओ इधर से बुलाओ ऐसा चल रहा होता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है आई जस्ट एंजॉय माई रोल ऑब्वियसली बिकॉज जब शुरू होता है एक्शन और कट के बीच में आई आ मॉल परी हाय गाइस वेलकम टू सेलेब मोड एंड आज हमारे साथ है परी सो so, परी प्लीज टेल अस कैसा लग रहा है ये रोल करके आपको मुझे बहुत मजा आ रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी आई एम फील वेरी ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये कैरेक्टर मिला करने के लिए इट इज वेरी चैलेंजिंग बट आई थिंक मजा इसी में है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो हाउ डिड दिस हैपन मतलब गुड से मीठा इश्क आपको कैसे ऑफर हुआ इट वॉज़ uh, किसी ने मुझे कहीं देखा एंड क्रिएटिव आई थिंक करिश्मा ने मुझे कहीं देखा और उन्होंने सोचा अरे ये सही है और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आई यू दैद विल यू वॉन्ट टू लाइक विल यू भी इंटरेस्टेड इन डूइंग द शो देन आई सेड ओके देन आई आई गिव द ऑडिशन द मॉक्स शूट एंड ऑल एंड देन ऑब्वियसली फिर मेरा भी टू तो एंड फ्रो चल रहा थोड़ा थोड़ा चला क्योंकि इट्स अ चैलेंजिंग कैरेक्टर एंड टी वी पे किसी हीरोइन ने ऐसा कैरेक्टर कभी किया नहीं है तो मैं भी सोचने लग गई कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए पर फिर यू नो दे आर दे आर सच नाइस पीपल एंड वी हैव एन अमेजिंग टीम तो मैंने कहा वाई नॉट सो दैट्स हाउ दैट जब आपको नथिंग आई थिंक एज अ पर्सन यू नो एज मीरा आई कम्प्लीटली बिलीव इन मेंटल हेल्थ को जो हम यू नो एंड करते हैं या टेकिंग थेरेपी इज एंड ऑल ऑफ दैट तो आई हैव अ वेरी ओपन माइंड टूवर्ड्स द फैट कि देर आर स्पेशल किड्स देर आर किड्स होनी एक्स्ट्रा अटेंशन होनी एक्स्ट्रा लाव देनीट एक्स्ट्रा थेरेपी तो देर वॉज ओबियसली अ लॉड ऑफ वर्क दैट वॉज डन बिहाइंड माई कैरेक्टर बट

I I just enjoy my role obviously because जब शुरू होता है एक्शन और कट के बीच में आम ऑल परी एंड डिफिकल्टी इज़ फॉर श्योर क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी बहुत सारी मेडिकल बाउंड्रीज है जस्ट uh, बिकॉज हम एक शो बना रहे हैं और टी वी पर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी भलता दिखाएंगे uh, तो ये एक एफर्ट रहता है तो हमेशा हर सीन के पहले बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि यू नो ऐसा करना चाहिए वैसे करना चाहिए ये किया तो गलत तो नहीं लगेगा ये किया तो ये सही है या क्या ऐसा कर सकते हैं तो किसी को अच्छा लगेगा तो ये काफ़ी थॉट uh, जाता है हर सीन के पहले सोया so yeah. वीसी की खट्टा मीठा रिश्ता है सबके साथ या आपके मम्मी पापा जो रोल करते बट असल में मतलब ऑफ स्क्रीन में क्या मस्ती होती है या हाउ इज योर बॉन्ड ऑफ स्क्रीन इट्स फन हम बहुत सारे लोग हैं पूरी कास्ट और जब एक साथ होता है सीन तब तो मतलब लिटरली ऐसा uh, होता है कि सर को जमा करने पड़ते हैं अरे इधर से बुलाओ इधर से बुलाओ ऐसा चल रहा होता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है अदर देन दैट हम एक एज ग्रुप वाले हैं यू you नो know, मी पंखुड़ी ईशान विशाल पत्राली हम सब तो हमारी भी एक अलग ही मस्ती चल रही थी हम सब बैठ के हाँ कासिब और खाना और इसके बाद क्या खाएंगे ये डिस्कस करते हैं तो हमारा चलता रहता है वन uh, सीन uh, जो आपको लाइक like, जिसके लिए वापस ज्यादा टेक्स लेने पड़े हो अब मैं खुद की तारीफ खुद करूं या आप लोग कर लोगे प्लीज क्योंकि आप लोग थे वहां पे जब मैंने सीन किया तो अब बता दो तो कि मैं टेक्स नहीं लेती ज्यादा अभी वाला भी saw yeah आपने? so you saw it is a high intensity scene मैं यूजुअली जब जाती हूं सेट पे तो आई डू माय ओन प्रिपरेशन पहले एंड आई एम लाइक प्रिपेयर्ड कि मुझे क्या करना है तो मैं लाइंस तो नहीं भूलती दैट्स अ हैबिट एंड थैंक यू गॉड फॉर द ग्रास्पिंग पावर बाकी रिहर्सल होती है तो वो क्लियर हो जाता है कि क्या करना है तो इट्स वेरी रेयर कि शायद फंबल हो गया कोई वर्ड मुँह से गलत प्रोनाउंस हो गया तो रीटेक होता है वरना आई डोंट डू रीटेक्स वेल आई क्यूरियस टू नो कि आउटडोर शूट था आपके प्रोमो बारूट हुए काफी मतलब आउटडोर शूट थाउटडोर ए वॉज़ ब्यूटिफुल इट वॉज मसूरी इज़ वेरी ब्यूटिफुल बहुत मज़ा आया एंड uh, हम सारे लोग वहाँ पर हमने बहुत सारा वहाँ का खाना एक्सप्लोर किया तो वो बहुत मज़ा आया मोमोज एंड थुक्स एंड ऑल दैट एंड वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं बहुत प्यारे हैं तो ये वी है फैंस को परी से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फैंस को परी से बहुत सारी मस्ती बहुत सारा इमोशन बहुत सारा प्यार बहुत सारा इश्क एक्सपेक्ट करना चाहिए